मध्य प्रदेश के शहपुरा भिटौनी में प्रसिद्ध नर्मदा तट माल कछार घाट पर नर्मदा जयंती के अवसर पर महाआरती का आयोजन किया गया। आयोजन जगदम्बा मंडल महाआरती समिति गौरीघाट आचार्य के निर्देशन में हुई। इससे पहले मां नर्मदा का पूजा पाठ और अभिषेक भी किया गया। इस दौरान ढोल ताशे के साथ शंख भी बजाए गए। मां नर्मदा की सुंदर झांकी भी सजाई गई। नर्मदा तट मत श्री नर्मदे हर के जय हो से गूंज उठा। हजारों की संख्या में मां नर्मदा की भक्तों की सैलाब नर्मदा तट पर उमड़ पड़ा। भक्तों की भीड़ के मद्देनजर आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए विशेष पुलिस बल घाट पर तैनात रहा। शहपुरा से राजेश कुमार शुक्ला की रिपोर्ट। सभी बच्चों का सहयोग रहा, सभी नर्मदा ग्रुप वाले जितने भी नवनी जगदम्बा मंडल के जितने भी सदस्य सभी के द्वारा सभी ने बहुत अच्छी सेवा की। बहुत सुंदर आरती हुई है। क्या नाम है आप? वीरेंद्र सिंह चौहान। हर साल आते हैं आप? हाँ, मैं हर साल। इस बार क्या अलग देखने को मिला? इस बार बहुत कुछ अलग देखने को मिला। बहुत सारे लोग आए और सभी को प्रसन्नता हुई। आकर और मान नर्मदा पहले से ही हमने जानकारी ले ली थी कहाँ कहाँ प्रोग्राम रहेंगे, तो सभी जहाँ घाटों पे आवश्यकता थी वहाँ पे पर्याप्त बल लगा दिया गया था। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है, लगभग कितनी भीड़ थी आज यहाँ पर? कम से कम आने जाने अगर दिन भर से लगाए तो 10 से 15 हज़ार आदमी होता है। अभी तक अभी भीड़ कम हुई है। आपका पुलिस बल सुबह से ही तैनात था यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, सारा बल हमने सुबह से ड्यूटी लगा के रही थी कि जाम में से ऊपर सड़क पर जाम ना होता है, आवागमन चालू है। नीचे भी हमने पुलिस बल लगा के रहे, तो ये भी घटना